महज 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया का खिताब जीतना और फिर यश चोपड़ा जैसे डायरेक्टर की मल्टी स्टारर फिल्म त्रिशूल से डेब्यू करना कोई छोटी बात नहीं, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसके परिवार में फिल्में देखी तक न जाती। ये लड़की थी 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो, जो आज अपना 62वां जन्मदिन मना रही है। पूनम बीते 46 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव है, हालांकि करियर में 90 फिल्में करने के बाद भी इन्हें अब तक कोई अवार्ड नहीं मिला। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस की बात हो और उसमें पूनम ढिल्लो का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। 80 के दशक की इस एक्ट्रेस ने अपने करियर में त्रिशूल, सोनी माहिवाल, नूरी समेत एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी। पूनम ढिल्लो के जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं एक्ट्रेस के लाइफ से जुड़े कई दिलचस्प किस्से। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी सिनेमा जगत से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 में यूपी के कानपुर में हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा लिटिल चैंप्स में बताया था कि जब वो स्कूल में थी तभी यश चोपड़ा ने उन्हें पहली फिल्म का ऑफर दे दिया था। एक्ट्रेस ने बताया कि यश चोपड़ा मुझे त्रिशूल में लेना चाहते थे। उन्होंने मेरी फोटो देखी, वो मुझे और मेरे माता पिता को समझाने आए। उस समय मैं बस 15 साल की थी। कुछ इस तरह पूनम ढिल्लो को उनकी पहली फिल्म मिली थी। इस मूवी में पूनम ढिल्लो ने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार समेत कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। इस मूवी से जुड़ा भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल फिल्म में एक सीन था जब शशि कपूर को पूनम ढिल्लो को थप्पड़ मारना था और इस बारे में एक्ट्रेस को कुछ बताया नहीं गया क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि ये सीन रियल लगे। ऐसे में जब उन्होंने एक्शन बोला तो अभिनेता ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बाद में शशि कपूर ने पूनम ढिल्लो से माफी तक मांगी। पूनम ढिल्लो की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि पूनम जब 8वीं क्लास में थी तब हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया चंडीगढ़ में शूटिंग करने पहुंचे। पूनम भी अपने फ्रेंड्स के साथ राजेश खन्ना का स्टारडम फील करने के लिए शूटिंग देखने पहुंच गई। पूनम इतनी खूबसूरत थी कि सेट पर स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी लड़कियों की भीड़ के बीच भी काका ने उन्हें नोटिस कर लिया। काका ने पूनम को अपने पास बुलाया और कहा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आगे चलकर पूनम ढिल्लो ने राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, दर्द और आवाम समेत 6 फिल्में की थी। कुछ फिल्में बेहद खास होती हैं, इसलिए उन फिल्मों से जुड़ी बातें भी याद रह जाती हैं। अभिनेत्री पूनम ढिल्लो ने अपने फिल्मी करियर में त्रिशूल, नूरी, नाम, कर्मा समेत कई फिल्में की। हर फिल्म उनके लिए खास है। तो ये थी पूनम ढिल्लो के जन्मदिन पर उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।